हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वेन्यू में हम पहले भी आ चुके हैं। ये है अल्बर्ट हॉल, जो कि हम अपना बस टूर के दौरान आए थे। लेकिन उससे पहले कि हम कुछ देख सकते, इनका शुरू हो गया था, भाई चलो चलो, हो गया। तो हम आज सुबह दोबारा आ गए अल्बर्ट हॉल यानी कि सेंट्रल म्यूजियम में, ताकि हम ढंग से देख सके इस म्यूजियम के कलेक्शंस। तो चलिए चलते हैं अंदर। इस जगह को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम या फिर स्टेट म्यूजियम ऑफ राजस्थान। इस अल्बर्ट हॉल का फाउंडेशन रखा गया था 6 फरवरी 1876 में, जब प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड जयपुर आए हुए थे। लेकिन जब ये बिल्डिंग का फाउंडेशन ले किया गया था, तब ये डिसाइडेड नहीं था कि इस बिल्डिंग के साथ क्या किया जाएगा। इस म्यूज़ियम में कलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर, बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स के वेसल्स, स्टैचूज, फ्लावर वास वगैरह आपको देखने मिलेंगे। कल भी जब हम इधर आए थे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और आज भी वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आपको पुराने चीज़ें देखने में दिलचस्पी हो, आप इधर ज़रूर आए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत आइटम्स रखे हुए हैं, और सिर्फ आइटम्स ही नहीं, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत है। इसका आर्किटेक्चर जो है देखने लायक है। रूम्स तो बहुत सुंदर है, इनका जो कलर स्कीम है वो भी बहुत खूबसूरत है, और जो कॉरिडोर्स है वो भी देखने लायक है। ये नेक्स्ट जो है, ये है सारे वेपन्स के शील्ड सॉर्ड्स, बड़े तरह तरह के शील्ड सॉर्ड्स है, बंदूकें भी है, कुछ छोटे कुछ बड़े, ये देखिए। और सबसे ज़्यादा भीड़ इसी गैलरी पे लगा हुआ है। ये देखिए, स्पीयर्स वगैरह रखे हुए हैं, अलग अलग पीरियड्स के रखे हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। वेपन्स है फिर भी देखने में को काफ़ी अच्छा लगता है। ये डबल साइडेड तलवार भी है, और ये बंदूक देखिए, उन दिनों में गोलियां तो नहीं होते थे, गन पाउडर यूज़ करते थे, ये छोटे छोटे जो है नाइव्स वगैरह, ह्यूज कलेक्शंस। ये फिर देखिए, इधर मेटल के अलग अलग वेसल्स वगैरह रखे हुए, बहुत ही खूबसूरत है। बड़े सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी है, क्ले आर्ट, मार्बल आर्ट, आइवरी आर्ट, लकड़ी के डेकोरेटिव आइटम्स, बहुत सारे सामान है इधर। ये देखिए, ये भी सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, मूर्तियाँ छोटे बड़े, बड़े खूबसूरत है। और ये है, ये मम्मी जो रखा हुआ है उसका एक्सरे, ये मम्मी इजिप्शियन मम्मी है। ये है इस म्यूजियम का स्पेशल अट्रैक्शन, इसको देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा होता है। कितना खूबसूरत है देखिए ये इंटीरियर्स, इसके सीलिंग वगैरह, पिलर्स बहुत ही खूबसूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ और बाकी है देखने का।
डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, आपको ये म्यूजियम देखने में 2 से 5-6 घंटे लग सकते हैं। तो आप वैसे ही प्रोग्राम करके इधर आए, टिकट का कीमत 50 रुपये है और ये ट्यूसडे को बंद रहता है। ये छोटी चौपर के पास है, तो आप ऑटो वगैरह बस टैक्सी तो आते ही है, आप इधर आराम से पहुंच सकते हो, पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कलेक्शंस जो है भाई साहब, बहुत खूबसूरत कलेक्शंस है, आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें रखे हुए इधर। उन दिनों में भी इतने अच्छे आर्टिस्ट हुआ करते थे, आर्टिजन्स होते हुआ करते थे, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें रखे हुए हैं। वेरी ब्यूटीफुल। क्यों पैसा लेते हुए तो बोला है, फोटोग्राफी अलाउड है? इस लॉन को रामनिवास गार्डन कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये। तो दोस्तों इधर भी बाधा आ गया वीडियोग्राफी में, तो हम बाहर चल रहे हैं यहाँ बहस करना। ये है टिकट काउंटर, पिछले दिन भी जब हम आए थे आपको दिखाया था, और ये अल्बर्ट हॉल का एक्सटीरियर ही दिखाते हैं आपको। तो ऐसा है दोस्तों, अगर आप अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखने आते हो आप एंजॉय करोगे बेशक। जो कलेक्शंस है, जो आर्किटेक्चर है, बहुत ही खूबसूरत है, और एंट्री भी जैसे मैंने बताया ज़्यादा नहीं है, 50 रुपये। तो आप जयपुर जब भी आए विज़िट करें, एंजॉय करोगे आप। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे मंदिर वगैरह दर्शन करने, और क्या क्या है देखने का जयपुर में हम घूमेंगे। अब सिर्फ 11 ही बजे हैं, लेकिन आप लोग देखोगे वो अगले वीडियो में। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।